Hello, my honey bunnies. Most welcome to my YouTube channel. This is Soup Sora. I am Supriya Sharma, and today's video is all about no makeup makeup look. And this is my signature makeup look. काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका signature makeup look काफी ज़्यादा अच्छा है. Like brown tone में makeup करती हूँ मैं. मुझे brown tone makeup अच्छा लगता है. Brown lipstick, dusky. बहुत ज़्यादा आसान भाषा में जो makeup आप हर रोज कर सकें बहुत easily. कम प्रोडक्ट्स में आप वो अच्छे से कर लें या दोस प्रोडक्ट आई विल सजेस्ट यू. से विंटर सीजन में अपना मेकअप का बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है. अपने स्किन का खास ख्याल रखने की जरूरत है. सो क्या होता है, हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राइंग हो जाती है, हमारे मेकअप ड्राई हो जाता है. तो आई विल सजेस्ट यू दोस प्रोडक्ट विच विल नॉट लेट योर मेकअप ड्राई. सो आई विल रिकमेंड यू दोस प्रोडक्ट. सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड सो कीप ऑन वॉचिंग. फर्स्ट प्रोडक्ट इज प्राइमर. फॉर प्राइमर आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड प्राइम फोकस प्राइमर सीरम. मैं सीरम ले रही हूँ, मैं कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है अपना स्किन हाइड्रेटिंग दिखाना है. तो मैं वो सारे प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करूंगी जो जिससे मेरे फेस, जिससे मेरा जो मेकअप है वो डिहाइड्रेटेड ना लगे, लाइक केकी ना हो, ड्राई ना हो. तो मैं वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी जिससे मेरा फेस हाइड्रेटेड लगे, जिसमें हाइड्रेटिंग फैक्टर यूज हो. जिसमें इसमें लिखा हुआ है दिस इज हाइड्रेटिंग, सो आई एम यूजिंग दिस बिकॉज दिस इज हाइड्रेटिंग. दिस इज नायका स्किन शील्ड एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन ट्रिपल एक्टिव एक्शन फॉर्मूला एंटी पॉल्यूशन डीप हाइड्रेशन विच इज extremely needed in winter. So I'm taking this foundation oil control action and yeah, this is like BB cream. This foundation is very light water based foundation hai. Cream zyada thick nahi hai, iski consistency zyada kya bilkul thick nahi hai. That's why I'm taking this. रिमेंबर जब भी आप फोरहेड पे फाउंडेशन लगाए, मेक श्योर कि बहुत कम अमाउंट में फाउंडेशन लगाए क्योंकि हम एक्सप्रेशन बनाते हैं लाइक ऐसे ऐसे, लाइक बहुत तरीके के एक्सप्रेशन हमारे फेस पे आते हैं जिससे हमारे फोरहेड पे लाइन्स आती हैं. तो प्लीज अवॉइड फाउंडेशन, ज्यादा फाउंडेशन अपने फोरहेड पे ना लगाएं. इस आपके मेकअप स्पॉन्ज में जो आए सिर्फ उसको ही ऐसे करके ब्लेंड कर लें या फिर सिर्फ लाइक जस्ट वन टैप. डू नॉट पुट सो मच फाउंडेशन ऑन योर फोरहेड क्योंकि उससे लाइन्स बन जाती हैं. उसमें लाइन्स बहुत क्लियरली फोरहेड पे दिखती है. कम फाउंडेशन लगाना है, बहुत लगाना ही नहीं है, लाइक नो. जितना भी एक्स्ट्रा आपके स्पॉन्ज में आएगा सिर्फ उतना ही लगाना है. एवरीडे मेकअप में मैं हाई कवरेज के फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ, मैं मीडियम कवरेज के फाउंडेशन ही यूज करती हूँ क्योंकि उससे ना नेचुरल लुक लगता है. दैट्स व्हाई दिस इज लुकिंग सो सीमलेस. अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. नाउ आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर. इसका जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज्यादा लाइट है, बिल्कुल थिक कंसीलर नहीं है, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ. विंटर सीजन में काफी ज्यादा अच्छा काम करेगा. ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइट वेट है और फुल कवरेज फाउंड फुल दिस इज फुल कवरेज कंसीलर. जितना भी एक्स्ट्रा कंसीलर है इस स्पॉन्ज में मैं वही अपने आई एरिया में लगाऊंगी. मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी आई बेस सेट करने के लिए क्योंकि मुझे आई शेडो नहीं अप्लाई करना है, राइट. सो मैं सिर्फ हल्का हल्का सा जो यहां से लेकर मैं जा रही हूं अपने मेकअप स्पॉन्ज में सिर्फ उतना ही मैं लगा रही हूं अपनी आई लिड पे लाइक दिस. जितने भी मेरे फेस के डार्क एरिया से मैं थोड़ा थोड़ा सा कंसीलर वहां अप्लाई कर लिया है. फॉर सेटिंग माई बेस आई एम टेकिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम मेबलिन फिट मी. आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं. आई ट्राई टू अवॉइड ट्रांसलूसेंट पाउडर जो कि लूज पाउडर्स होते हैं, मैं वो विंटर्स में अवॉइड करती हूँ. अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो फेस आपका ड्राइंग करते सेट तो कर देता है बट वो ड्राई कर देता है. दैट इज नॉट गुड फॉर विंटर्स. सो ऑलवेज गो फॉर कॉम्पैक्ट प्रेस पाउडर. आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं एंड या फॉर सेटिंग योर बेस just do not drag it like this, just tap it.
for brows, I'm taking this Sugar Cosmetics eyebrow pencil, and I really, really like this eyebrow pencil. सिर्फ टचअप करना है, ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है. जहां भी गैप्स हैं सिर्फ उनको फिल करना है और कुछ भी नहीं करना है. गो अकॉर्डिंग टू योर लैश, सॉरी गो अकॉर्डिंग टू योर आईब्रो शेप. बिल्कुल भी उससे अलग, आईब्रो शेप से अलग आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपका आईब्रो बहुत डिफरेंट लगेगा, बहुत फेक लगेगा. तो जस्ट जो भी गैप्स हैं उनको फिल कीजिए, उनको नेचुरल तरीके से फिल कीजिएगा. Now it's time for blush. For blush, I'm taking this lipstick. मैं lipstick की help से अपना blush apply करूंगी. मैं कोई भी powder based product apply नहीं करूंगी, क्योंकि उससे dry हो जाता है face, and ये जो होता है हमें बहुत ही ज्यादा natural look देता है. Just apply like this. और इसके dry होने से पहले आप अपना इसको अच्छे से blend कर ले. So now I'm applying kajal, and for kajal I'm taking this Faces Canada kajal. Now it's time for lashes. For lashes I'm taking this Maybelline New York the False Lash Lift Hydro Fog mascara, and this is a beautiful mascara. अगर आपको अपनी lashes lengthening करनी है, voluminous दिखानी है, but this is not a waterproof mascara. तो जिससे क्या होता है कि मेरा ये मस्कारा बहुत इजीली निकल जाता है, बहुत टफ नहीं पड़ता. आपको मेकअप रिमूवर की हेल्प से भी, जैसे क्या होता है और भी जो मस्कारास होते हैं और भी. दिस इज फॉर लिप्स. आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे मैट इंक. दिस शेड इज अमेजोन एंड दिस इज गिफ्टेड बाय समवन स्पेशल. ओके, एंड दिस शेड इज अमेजोन. So it's very important to set your makeup for long time. So I'm taking this Inside Makeup Essential Makeup Fixer. This is look at this. My skin looking so hydrating. I'm loving it. That's it for today's video. I hope you're gonna like it. आपको पसंद आया होगा मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल, मेरा एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक. एंड या इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो एज वेल. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड यू कैन एड मी ऑन स्नैपचैट. आई विल मैंशन ऑल द लिंक्स ऑन द डिस्क्रिप्शन. एंड या जो भी प्रोडक्ट मैंने सजेस्ट किए हैं वो सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े. मैं आपको एक सही जगह सब कुछ मेंशन कर दूंगी. सो या टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गिव टाइम टू योर डियर वंस. बाय बाय.